हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? तो चलिए हम चलते हैं आज बर्गर खाने। तो यहाँ ना आज मैंने दो टाइप के बर्गर बनते हुए देखा है। हम जब भैया के पास बर्गर बनाने के लिए ऑर्डर देने आए, इससे पहले ऑलरेडी भैया एक बर्गर बना रहे थे। इस बर्गर का रेट 25 रुपए था और थोड़ा सा सिंपल था। तो पहले ही भैया ने बर्गर बन सेक कर उसके ऊपर प्याज खीरा टमाटर वगैरह डालकर रख दिया था। फिर उसके ऊपर डाल दिया भैया ने मेयोनी और फिर उसके ऊपर डाल दिया भैया ने नूडल्स। ये ना मंचूरियन वाला बर्गर है। मंचूरियन को अलट पलट कर सेक देंगे, फिर इसके ऊपर हरी चटनी डाल देंगे, फिर लाल चटनी डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे और दूसरे बर्गर बन से इसको ढक देंगे। ये बर्गर बन के तैयार है। ये 25 रुपए का बर्गर था। ये भी काफी टेस्टी होता है। फिर हमने अपना बर्गर बनाने के लिए भैया को बोला। हमने बोला कि हमें ना आलू टिक्की वाला बर्गर चाहिए क्योंकि हमें वही अच्छा लगता है। तो भैया ने बोला कोई बात नहीं, बन जाएगा वो, लेकिन 30 रुपए का बनेगा। हमने बोला ठीक है, बना दीजिए। तो भैया ने बर्गर बन निकाला तो उसको अच्छे से अलट पलट कर थोड़ा सा तेल लगाकर सेक लिया भैया ने। फिर भैया ने एक आलू टिक्की निकाली और उसको भी अलट पलट कर सेक लिया। ये ऑलरेडी आलू टिक्की पका कर रखते हैं, उसको बस अलट पलट कर सेक लेते हैं भैया। और साथ में ना और कस्टमर्स हैं जो यहाँ पे खा रहे हैं, उनकी भी हेल्प कर रहे हैं भैया, उनको भी कुछ कुछ दे रहे हैं। तो साथ साथ में ही भैया मैनेज कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा ठेला ना अकेला भैया चलाते हैं। फिर भैया ने आलू टिक्की के ऊपर लगा दी हरी चटनी, साथ में लगा दी लाल चटनी और रख दिया कटे हुए प्याज, फिर रख दिया टमाटर और खीरा भी साथ में रख दिया, फिर ऊपर से डाल दी मेयोनी। फिर भैया ने एक मंचूरियन लिया और उसको भी और उसको तवे पे अलट पलट कर सेक लिया और उसको बर्गर के ऊपर डाल दिया। फिर ऊपर से भैया ने ये डाला स्पेशल चाट मसाला। फिर भैया ने ना बर्गर को पैक बर्गर को रैप करने के लिए भैया ने ना फॉइल पेपर पहले से निकाल कर रख लिया और साइड से ना ये देखो कैसे हाथों से गोल करके ना नूडल्स को लेते हैं और इसको बर्गर के ऊपर डाल देते हैं। फिर इन्होंने ऊपर से लाल चटनी और हरी चटनी डाल दी और ऊपर से इन्होंने ये डाल दी मेयोनी और भैया ने ये दूसरे बर्गर बन की मदद से ना इसको ढक दिया और हमारा बर्गर बन के तैयार है। इसको भैया ने फॉइल पेपर में रैप कर दिया, हमने ना पैक करवाया था। बर्गर ना काफी बड़ा होता है, आपको पता ही है, इसको खाने में सारा मुंह बिगड़ जाता है, इसलिए ना मैं इसको ऐसे ना दो पीसेस में हमेशा कट करवा लेती हूँ ताकि इसको ना खाना आसान हो जाए। ये हमें पड़ा 30 रुपए का, साथ में भैया ने दिए दो सॉस के पैकेट, तो काफी ज्यादा टेस्टी था। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना आप लोगों को मंचूरियन वाला बर्गर पसंद है या आलू टिक्की वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। अब टेक केयर।